मैं पहली बार ऐसे मंच पर आई हूँ और पहली बार अपने विचारों को आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, और अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। कि लड़की कुछ बोली तो माँ ने कहा तुम लड़की हो तुम मत बोलो। लड़की ने कहा माँ भाई भी तो बोलता है ना। माँ ने कहा तुम लड़की हो वो लड़का है, खुद को लड़कियों से मत तोलो। लोगों ने कहा इन्हें बाहर मत भेजो, ये पूरी आवाम खराब कर देगी, बाहर निकलते ही तुम्हारा नाम खराब कर देगी। पढ़ना लिखना बंद उसका चार दीवारी में उसे बैठा दो, इतनी बड़ी ये 15 साल की हो गई, चलो अब इसकी शादी करवा दो। कर दो उसकी शादी, उसका जीवन ढंग से महका भी नहीं था। कर दो उसे ऐसे शख्स के हवाले जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। किसी अनजान शख्स से बात नहीं करनी और अनजान शख्स के हाथ में उसका जीवन दे रहे हो, और ये कहाँ का नियम है साहब, लड़की या तुम उनसे दहेज ले रहे हो। शादी होते ही लड़कियों को कर दिया पराया, पर लड़की के दिल में घर वालों के लिए प्रेम ही समाया। ससुराल में आते ही लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी ससुराल वालों पर लुटा दी, पर ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए मार मार कर अंदर से मिटा दी। दुनिया वालों ने उसे बहुत सताया, उसने कहा हौसला रख ये दिल, तुझे दुनिया वालों ने नहीं उस रब ने बनाया, तुझे दुनिया वालों ने नहीं उस रब ने बनाया। और जब उसके लड़का हुआ तो सब ने अपने घरों को सजवा दिया, और जब उसके कुछ सालों बाद लड़की हुई तो उसे अस्पताल में ही मरवा दिया। नन्ही सी जान को मार कर उसके बड़े भाई के दिल को रुलाया है, माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर बड़ी मुश्किल से मनाया है, माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा कर बड़ी मुश्किल से मनाया है। अपनी बहन की लाश को हाथ में लेकर वो पुराने ख्यालों में खोने लगा था। उसका भाई सोचता था मैं खेलूंगा बहन के साथ, अब वो ये सोच कर फिर से रोने लगा था। वो अपना भाई उसका भाई अपनी माँ के पास जाता है और रोते हुए अपने लफ्जों में कहता है कि ए माँ हमारे घर की वो मान चली गई, कि माँ हमारे घर की वो मान चली गई, मेरे हंसते हुए चेहरे की मुस्कान चली गई, और उसकी गलती ही क्या थी, अभी तो उसने दुनिया भी नहीं देखी थी। माँ मेरी नन्ही सी बहन की जान चली गई, क्या ये उनका संसार नहीं, माँ क्या लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं।